जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। वन प्लस 12 और आईक्यू 12 में कौन बेहतर है, चलो एकदम डिटेल एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले सेगमेंट से। वन प्लस 12 में आपको 6.82 इंच का एक 2K रेजोल्यूशन वाला BOE का प्रो HDR X1 LTPO वर्जन 3.0 OLED डिस्प्ले मिल जाता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 1600 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 2160 हर्ट्ज का PWM-DC डिमिंग है, 10 बिट के कलर्स हैं, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन भी है, डिस्प्ले मेट की तरफ से A+ का रेटिंग भी लेके आया है, पिक्सल वर्क्स का X7 इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप भी है, HDR विविड Z Real भी अवेलेबल है, 510 का PPI देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग रिला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, कर्व डिस्प्ले है, बहुत ही कम चिन्ह देखने को मिलता है, नॉर्मल से पंच होल के साथ है। आईक्यू 12 के डिस्प्ले स्पेक्स की बात की जाए तो आईक्यू 12 में आपको 6.78 इंचेस का एक 1.5K के रेजोल्यूशन वाला बिजनॉक्स का 80 OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 2000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है, 2160 हर्ट्ज का PWM-DC डिमिंग भी है, 10 बिट के कलर्स हैं, DCI-P3 कलर गैमेट है, 3000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 452 का PPI है, फ्लैट डिस्प्ले है, चारों तरफ से बेजल्स काफी कम देखने को मिलते हैं, चिन भी बहुत ही कम है, नॉर्मल से पंच होल के साथ है। हालांकि कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्शन आईक्यू ने दिया है आईक्यू 12 में, कहीं पर भी आईक्यू ने मेंशन नहीं किया। तो डिस्प्ले कैटेगरी का कौन है विनर? ऑब्वियस सी बात है यार, वन प्लस ट्वेल्व में जो BOE का प्रो HDR X1 डिस्प्ले है वो बहुत प्रीमियम है और वो काफी महंगा भी है मेरे भाई। जो आईक्यू 12 है वो विजनॉक्स का 80 OLED डिस्प्ले यूज किया है और यार ये बहुत पीछे चला जाता है अगर आप BOE के प्रो HDR X1 डिस्प्ले से कंपेयर मारोगे तो। देखो यार, वहां पर आपको बेहतर शार्पनेस, बेहतर कलर रिप्रोडक्शन, बेहतर स्मूथनेस एंड आपको सब कुछ वहां पर बेहतर देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले काफी ब्राइट है, स्क्रीन प्रोटेक्शन भी बवाल है, पिक्सल वर्क्स का X7 इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप भी है, तो यार वो आपको ज्यादा प्रीमियम और इमर्सिव एहसास करवाएगा वन प्लस 12। आईक्यू 12 बहुत पीछे चला जाता है यार डिस्प्ले के मामले में। चलो कैमरास की बात करते हैं। आईक्यू 12 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो। जो प्राइमरी कैमरा है वो ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ है, OIS मिल जाएगा। जो अल्ट्रा वाइड है सैमसंग के JN1 कैमरा सेंसर के साथ है। जो पेरिस्कोप टेलीफोटो है वहां पर भी ओमनी विजन का कैमरा सेंसर है, OIS मिल जाएगा। और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ। आप मेन कैमरा से 8K में 24fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, 4K में 60fps पे 100x डिजिटल जूम कर लोगे, 3x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, सेल्फी कैमरा से 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे। वन प्लस 12 के कैमरास की बात की जाए तो वन प्लस 12 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो। जो प्राइमरी कैमरा है वहां पर सोनी लाइटिया 808 कैमरा सेंसर मिल जाता है, सोनी का नया नवेला प्रीमियम फ्लैक्सी स्मार्टफोन कैमरा सेंसर, ये एक वाइड एंगल लेंस है। जो अल्ट्रा वाइड है सोनी IMX581 कैमरा सेंसर पे, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो है ओमनी विजन का कैमरा सेंसर के साथ है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा सोनी IMX615 कैमरा सेंसर के साथ। आप मेन कैमरा से 8K में 24fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, 4K में 60fps पे स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 3x 6x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 120x डिजिटल जूम कर लोगे, सेल्फी कैमरा से भी आप 4K में 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे। मेरे भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है वन प्लस 12 के कैमरास आईक्यू 12 के कैमरास से बहुत आगे निकल जाते हैं। जानते हो यार, मेरे को तकलीफ होता है कि यार आईक्यू चाह कर भी अपने फोन्स में कैमरास अच्छे दे नहीं सकता है, इनफैक्ट अपने फ्लैगशिप फोन्स में भी इतने अच्छे कैमरास दे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वीवो करने देगा नहीं, वीवो को अपने X सीरीज के फोन्स को भी तो सेल करना है। अब देखो यार, वीवो X100 ज्यादा बेहतर है आईक्यू 12 से, घुमा फिरा कर आईक्यू के पास बस परफॉर्मेंस वाला सेगमेंट ही बच जाता है एंड वो उसी के थ्रू अपने फोन्स को सेल करता है, मतलब कि कम से कम दाम में बेहतर परफॉर्मेंस देना, उसके पास और कोई चीज़ें बचते ही नहीं है। अब देखो यार, डिस्प्ले भी बेहतर ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कैमरास भी दे नहीं सकते हैं, तो बचा क्या? प्रोसेसर ही बचाना यार। खैर, परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो एक 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एडिनो 750 का GPU मिल जाएगा। देखो मेरे भाई, अगर हम लोग एकदम डिटेल में घुसें कि दोनों में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन देता है, तो डेफिनेटली आईक्यू 12 में आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये बच्चों वाली बातें हो गई क्योंकि दोनों ही फोन्स में सेम प्रोसेसर है, 19-20 का अंतर होगा। डेमो देता हूं मैं। वन प्लस 12 में आपको बेहतर स्टेबल UI मिलेगा, क्लीन एक्सपीरियंस रहेगा, स्मूथनेस आपको ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा, स्टेबल एक्सपीरियंस रहेगा एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम बवाल रहेगा।
चलो अब आईक्यू की तरफ से बोलता हूँ मैं। आईक्यू 12 में आपको एक इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप भी दिया गया है जो परफॉर्मेंस को और लेवल अप करेगा। इनफैक्ट अगर स्कोर्स पे भी ध्यान दोगे तो वन प्लस 12 के स्कोर्स से बहुत बेहतर स्कोर्स आईक्यू 12 के हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना यार, ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन अगर एक विनर को चूज किया जाए तो आईक्यू 12 में आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वन प्लस 12 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा जो एक अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। UFS 4.0 का शो सपोर्ट है। LPDDR5X RAM टाइप है। 5400 mAh बैटरी है। 100W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और चार्जर बॉक्स में रहेगा। 50W के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। 10W के रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट है। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। OxygenOS 14 पर रन करता है। आपको 5 साल तक अपडेट्स मिल जाएंगे। डुअल शियो स्पीकर्स भी हैं और डॉल्बी एटमोस सर्टिफाइड है। NFC भी है, Wi-Fi 7 है, Bluetooth वर्जन 5.4 है। एरोस्पेस VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही बड़े VC लिक्विड कूलिंग चेंबर के साथ आता है। एक बहुत ही बड़ा X एक्सिस लाइनर मोटर भी मिल जाता है और मेरे भाई आपको काफ़ी बवाल बहुत अच्छे वाले वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। लेजेंड समझ गए इस बात को। खैर, अलर्ट स्लाइडर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रेन टच टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब कि बारिशों में आप पानी में भी अपने फ़ोन को चला सकते हो। और मेरे भाई, आप बारिशों में फ़ोन को तो लेके निकलोगे नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना। और हाँ, USB 3.2 Gen 1 पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और IR ब्लास्टर भी है। आईक्यू 12 की बात करें तो आईक्यू 12 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। UFS 4.0 का शो सपोर्ट। LPDDR5X RAM टाइप। 5000 mAh बैटरी। 120W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और चार्जर बॉक्स में रहेगा। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा जो फंटा चॉइस 14 या फिर ओरिजिन ओएस पे रन करता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। डॉल्बी एटमोस सर्टिफाइड है। NFC भी है। Wi-Fi 7 है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है। IR ब्लास्टर भी है और X एक्सिस लाइनर मोटर भी है। और मेरे भाई, USB 3.2 Gen 1 पोर्ट भी है। मेन स्पेसिफिकेशंस आपको ज़्यादा बेहतर OnePlus 12 दे देता है। वहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा बैटरी भी मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है और अलर्ट स्लाइडर भी है, रेन टच टेक्नोलॉजी भी है, ज़्यादा अच्छा बेहतर VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशंस भी देगा वो। ऐसे बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो आईक्यू 12 नहीं दे पाता है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये किसी फ़ोन को प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो, आईक्यू 12 में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईक्यू 12 को आईक्यू थोड़े कम प्राइस पे लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई वो कुछ चीज़ों को कम दे रहा है, तभी तो वो इतने अच्छे प्राइस पे अवेलेबल करेगा आईक्यू 12 को। ऑब्वियस सी बात है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डायनामिक्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोनों ही फोन्स के, देख लो, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं बिल्ड वाइज। दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर और मजबूत ग्लास OnePlus 12 में है। OnePlus तो प्रचार भी कर रहा है। खैर, दोनों ही फोन्स में आपको एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन OnePlus 12 में है। और आईक्यू 12 में आईक्यू ने क्या दिया है, आईक्यू ने बताया नहीं। आईक्यू 12 में IP64 का रेटिंग मिलता है, जबकि OnePlus 12 में IP65 का रेटिंग मिलता है। और यहाँ पर हम लोग परेशान है कि IP68 का रेटिंग क्यों नहीं मिला OnePlus 12 में। खैर, बेहतर IP रेटिंग आपको OnePlus 12 में मिलता है। बारिशों में फ़ोन को लेकर घूम सकते हो, पानी वानी से बचा हुआ रहेगा, लेकिन पानी के अंदर लेके मत जाना यार। इतना भी अच्छा ये रेटिंग नहीं है कि IP68 के आसपास का आपको दे दे प्रोटेक्शन। तो बच बचा के चलना, बेसिकली फ़ोन को बचा के रखो यार। क्या ज़रूरत है IP रेटिंग की जब हम लोग जीन्स पैंट में पन्नी के साथ फ़ोन को संभाल के रखेंगे। तो देखो मेरे भाई, डिज़ाइन वाइज इतना बातचीत नहीं करेंगे हम, क्योंकि यार सब्जेक्टिव है। किसी को भाई OnePlus 12 का डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो किसी को आईक्यू 12 का डिज़ाइन अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे भाई, ज़्यादातर भाइयों को OnePlus 12 का डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम लगेगा, एंड वो प्रीमियम है भी। OnePlus ने तो टाइम डिज़ाइन नाम दिया है, 3 कलर वेरियंट्स निकाला है। ब्लैक पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, वाइट प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो OnePlus ने इतना दिमाग लगाया डिज़ाइन के ऊपर। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। आईक्यू 12 कल परसों इंडिया में लॉन्च हो ही रहा है और इसके रैम वेरिएंट्स के तो प्राइसेस भी बाहर आ चुके हैं, देख लो, अमेज़न पे लिस्ट भी हो चुका है ये। 57,000 रुपीस के आसपास आईक्यू 12 का प्राइस होगा, लेकिन आपको और कम प्राइस पे दिखाई देगा क्योंकि ऑफर्स वगैरह मिलेंगे ना, तो उसको लगाकर आप और सस्ते में इसको ले लोगे। उसी जगह अगर OnePlus 12 की बातचीत की जाए तो OnePlus 12 जनवरी के 23 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। उसका प्राइस आपको दिखाई देगा 62,000 रुपीस के आसपास और ये प्राइस समझ लो एकदम 98% कंफर्म्ड है। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल और सीधी बात करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आप आईक्यू 12 को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका केवल एक ही मुद्दा होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए, एक ही चाहत होना चाहिए कि आपको परफॉर्मेंस से मतलब है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, 50,000 रुपये से ऊपर पैसे दे रहे हो। अगर 50,000 रुपये से बंदा ऊपर चला जाता है
तो एक फ़ोन में वो कैमरास, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, डिज़ाइन, बिल्ड, आफ्टर सेल सर्विस, बहुत सारी चीज़ें देखता है, लेकिन आपको केवल परफॉर्मेंस ही चाहिए, दैट्स वाई आप iQOO 12 को खरीद रहे हो। लेकिन उसी जगह अगर आप OnePlus 12 को लेने का विचार बना रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस भी एक नंबर चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया चाहिए, बहुत ही अच्छा स्मूथ और इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम बवाल कैमरा चाहिए, बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ चाहिए, प्रीमियम फ़ोन चाहिए जिसमें प्रीमियम चीज़ें मिले और बहुत ही अच्छा ब्रांड वैल्यू भी चाहिए, मतलब कि सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए मुझे, मेरे पैसे से मैं एक एक अच्छा वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मेरे को जितना हो सके मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उतना बेहतर चीज़ ले सकूँ, तो यार OnePlus 12 बेहतर है। और अगर मैं आप लोगों के जगह पे होता, मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये होते तो मैं OnePlus 12 की तरफ जाता, क्योंकि भाई थोड़े से पैसे लगा कर मैं OnePlus 12 ले लूँगा, उसको आराम से मैं 5 साल तक चलाऊँगा, उस पर भी मैं बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग करूँगा, मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे पल आएंगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकूँगा, बहुत अच्छा कॉन्टेंट क्रिएशन भी कर सकूँगा, बहुत ही अच्छे साउंड भी इसमें रहेंगे, बहुत अच्छे प्रीमियम फीचर्स भी हैं, शो ऑफ भी कर सकूँगा अगर करने का मूड होगा तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मेरे को मिल जाती है। ये मैं हूँ, इसी वजह से मैं OnePlus 12 खरीद रहा हूँ, लेकिन iQOO 12 भी एक बहुत अच्छा फ़ोन है। तो अपने अंदर झांक के देखो कि आपको क्या चाहिए। परफॉर्मेंस चाहिए तो भाई सस्ते में 8 Gen 3 फ़ोन मिलेगा, ले लो, बवाल करोगे, गेमिंग करोगे, एकदम ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो अपने अंदर झांक के देखो कि क्या चाहिए तुम्हें। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर भी कर देना अपने किसी दोस्त के साथ, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।